फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम अपने जो मेरा न्यू फ्लावर्स निकला है उससे मुलाकात करवाने वाला हूँ। जैसे कि अभी आपको पता होगा विंटर सीजन जा ही रहा है और अभी देखो मेरे जेरेनियम में अभी फ्लावर्स निकला है और देख पा रहे हो कितना अच्छा फ्लावर्स निकल के आया है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो को शेयर करूं। गाइस एक बात ज़रूर से है, जेरेनियम प्लांट को लगाने का फ़ायदा एक ये होता है कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके फूलों में ना फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी होती है और अभी इसमें ना बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। और मेरे पास अभी चार पाँच प्लांट हैं जेरेनियम के, तो देखेंगे इसमें कब तक कौन कौन से कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें अभी सिंदूरी कलर निकला है जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको कुछ और दिख रहा होगा लेकिन ये पिंक तो नहीं है, बस सिंदूरी है। बहुत ही प्यारा और सुंदर फ्लावर मुझे लगा है ये। अब सोच रहा हूँ इन और में कौन सा फ्लावर्स निकलेगा। मेरे पास चार प्लांट है और दो और भी रखे हैं, मेरे पास छः सात प्लांट है और अभी देख पा रहे हो कितना अच्छा फ्लावर्स निकला है। और मैंने ना इनको ये जैसे ही ना हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है ना तभी मैं इसको लगाया था, बट इसमें हुआ क्या है कि अभी फ्लावर्स निकला है, पता नहीं यार क्यों। इसमें थोड़ी सर्दी से कम में फ्लावर्स आते हैं क्या आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें फ़्लावर्स निकला है। और इनमें कौन से फ़्लावर्स निकलेंगे वो मैं आपके साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करूँगा। और अभी लगभग मेरे सभी विंटर प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, वीडियो थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं फिर भी आपको देता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक फाइंड नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि गर्मी का सीज़न जैसे जैसे आएगा ना मैं टॉपिक फाइंड कर ही नहीं पाता हूँ। और आपको पता है जो भी गर्मियों के फ्लावर्स है वो मैं नहीं लगाता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोस्टली वो कोई सी प्लांट में लगाऊँगा जो कि मैं आपके साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस पर आपको वीडियो चाहिए और वीडियो आपको उसी पर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय और हैप्पी गार्डनिंग।